Hello everyone, I'm Kamin Patin and welcome back to my new blog. Let's go. तो आज मेरा कौनसो डिपार्टमेंट में ड्यूटी का लास्ट डे है, तो इतना दिन कौनसो में काम करके अच्छा लगा. काफ़ी मज़ा आया वहाँ में एंड बहुत सारे कुछ चीज़ें सीखने को मिला अपने प्रोफेसर से और सीनियर से भी. सो अभी मैं कौनसो डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ. सो लेट्स मीट देयर. कहाँ जा रहे हैं अभी आप? जहाँ दादा ओडी में क्या काम है आपका वहाँ में? ओ बोला चेयरमैन आया समझीपुर से. लाइक अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर में हूँ और मैंने आज एक पेशेंट को डेट दिया था आज आने के लिए, 12:30 का टाइम दिया था. तो अभी एक बज चुका है और उसने मुझे टेक्स्ट किया कि वो पहुँच चुके हैं. सो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन हर. वो हाँ शंकरपुर बीच. अच्छा शंकरपुर. हाँ काफ़ी अच्छा टाइम पूरा देखा ना उसको. हसन को भी देखा. ओह काफ़ी अच्छा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैंने अपने हस्बैंड को, पूरी फैमिली को, मेरी सिस्टर सबको दिखाया. सिस्टर ही लाइक मुझे भी इस चैनल को लाइक करना है. अच्छा वेरी गुड डॉक्टर. ओके ओके नाइस नाइस. ही इज वेरी यंग. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा फिर. तो हस्बैंड भी आए क्या? ओके ओके लास्ट टाइम को मिलाएंगे. ओके हाँ आज काम आने के बाद मिल सकते हैं मतलब ना. हाँ नहीं बहुत अच्छा. पहला ऐसा डॉक्टर को तारीफ की, तुमने तकलीफ नहीं हुआ कुछ बेवा. थैंक यू थैंक यू. क्योंकि कितने सारे इंटर्न्स भी होते हैं ना कि अनएक्सपीरियंस रहते हैं. हाँ जब ये काम ठीक हुआ नहीं हुआ ऐसा आपने मुझे टाइम दिया बहुत अच्छा से. सो हेलो गाइस, आज फाइनली मेरा कौनसो का ड्यूटी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. मैं सोचा कि लाइक जाने से पहले आज लास्ट है तो थोड़ा बहुत ये कौनसो का थोड़ा डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं. तो चलिए देखिए आप लोग. चार बज चुके हैं तो लाइक 4 बजे के आसपास में हम लोग का ड्यूटी ख़त्म हुआ और उसके बाद हम लोग यहाँ में चाय पीने आ गए. तो ये है निबिरदा, इधर मैं चाय पी रहा. ओके आई ऑल्सो ड्रिंक वन टी. दादा हमको भी एक चाय दे दीजिए ना. लाल चाय तो ना. ओके ना लाल चाय दे दीजिए विथ नून. कम लेट्स गो देयर. सो अभी चाय पीते हो गया एंड अभी लाइक मेरे रूममेट भी अभी बाहर में आया हुआ है. तो दे आर हैविंग आइसक्रीम हियर. तो साइंदा इज हैविंग आइसक्रीम. थैंक यू. सो अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन की तरफ लंच खाने के लिए और मेरे जो कुछ दोस्त लोग थे, जो सीनियर्स लोग थे, वो लोग वहाँ में गए शॉप में कुछ सामान लाने के लिए.
सो दे हैव ऑलरेडी ईटन द लंच, सो इट्स माई टर्न टू ईट लंच नाउ, इसलिए मैं अभी कैंटीन की तरफ जा रहा हूँ लंच खाने के लिए। मंदिर है इसमें एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर, और उसी के साथ यहाँ में एक मस्जिद भी है। सो लाइक काइंड ऑफ यूनिटी हियर, ये है मस्जिद, नूरी मस्जिद कहते हैं इसको, तो ये यहीं पे है। एंड दैट्स आवर हॉस्टल। सो अभी मैं जाऊंगा वहाँ में हॉस्टल में कैंटीन में खाना खाने के लिए। कैंटीन तो आप लोग देख ही चुके हैं, सो मैं उसको दोबारा नहीं दिखाऊंगा। लेट मी शो यू द कैंटीन अगेन। ये बॉयज डाइनिंग हॉल, जी बात दे रहा हूँ ना, दो दिमेर बुर्जी डाल दो हमें यूट्यूब में हो जाएगा। हाँ ओके ना, ठीक है, उसको भी आप देखना, मैं आज डाल दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ब्लॉग कर रहा, ब्लॉग अभी ना चाहिए, ब्लॉग में ऐसा काम जिसमें हम अच्छे हैं, एक इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड हो सके, वैसा काम तो करेगा ही जीवन यापन के लिए आदमी। ओके ओके, इसके अलावा और जो कुछ कर सकता होगा वो भी करेगा। मतलब 20,000-25,000-30,000 रुपया कमाने का विधि हमको अच्छा से मालूम है, और उतना हम आराम से कर सकते हैं, इवन 50,000 तक कुछ पाए हैं। लेकिन सोचने कुछ ऐसा काम मिले जिसको हम लंबा समय तक हम बहुत अच्छा से हम कर सकें, और जिसमें हम मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो। अच्छा, इंटरेस्ट होना और आवश्यक होना दोनों अलग अलग, तो इंटरेस्ट दूसरा चीज़ हो गया और आवश्यकता दूसरा चीज़ हो गया। ओके, ऐसे नहीं होता कि हम लोग को जो इंटरेस्टेड है उसी को काम को करना चाहिए, लोग को लगता है, सबको लगते रहता है। सबको, सभी तो ऐसे बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट, सबको ऐसा लगता है, लेकिन जीवन में आवश्यकता जो होता है वो पहले होता है, इंटरेस्ट बाद में आता है। अच्छा, तुम अगर इंटरेस्ट के तरफ चला गया तो आवश्यक चीज अगर छूट गया ठीक है, तो तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा थोड़ा दिन बाद। ओके अच्छा, तुम करके देख लो, इंटरेस्टेड सेकेंडरी है, आवश्यकता प्राइमरी। ओके, तो लाइक आवश्यक में मतलब क्या क्या चीज़ है जो आवश्यकता में आ सकता है, किस काम? सोचना पड़ेगा क्या हमारे लिए अभी आवश्यक है। ठीक है, ये एक विवेकशील व्यक्ति सोच सकता है, इसके लिए बुद्धि विवेक बोध का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब अपने अंदर एक बौद्धिक क्षमता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा, आपका हिंदी काफ़ी मस्त एकदम ना, काफ़ी अच्छा हिंदी बोले थे। मेरा हो गया 54। थोड़ा देर में फोन पे कर देना, गूगल पे कर देना, हम पे कर देंगे। हाँ हाँ, इसलिए हमने किया था, नहीं तो कम लोग इसे किया था डांस। ओके आशी दीदी, बाय बाय दीदी, अब बाय कीजिए। ओके थैंक यू। आज मेरा कौनसो का लास्ट देता और लास्ट ड्यूटी का काम सब कुछ हो गया, तो 3 दिन में 3 पेशेंट किया मैंने। आई थिंक उसको शेयर में कहीं से भी हो जाना था, बट यस नाउ आई हैड माय लंच आल्सो, तो लंच खाने के बाद मैं यहाँ मेरे रूम में आ गया। तो आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग नाउ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। सो बाय।